साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर जो भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बताते हुए धरना दिया है रेलवे स्टेशन के बाहर। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस की गूंगी और बहरी सरकार के में बलात्कार, आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट जैसे बड़े बड़े मामले होते रहते हैं, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, मगर सरकार द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोपी खुलेआम आतंक फैलाकर बैठे हैं, मगर इन्होंने बताया सरकार चुपचाप बैठी है। इसको लेकर महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहन करेंगे। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर के रेलवे स्टेशन के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया है। तो चलो इनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है वो सुनो आप। रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है, किस लिए कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में व्याप्त कुशासन, अराजकता और जो सारे मामलों में सरकार फेल है, उसको लेके आंदोलन पर है। आनंद आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आमजन को साथ में लेकर कर रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान इस तरह की मुहिम, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को साथ में लेकर कर रहे हैं। प्रदेश में जो कुशासन है, चाहे वो बजरी का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे खनन माफिया मामला हो, हर मामले में सरकार फेल रही है। आम जनता में जागरूकता लाने के लिए हम सब इस अभियान पर हैं और आम जनता हमारे को पूरा समर्थन दे रही है। तो सर, ये रैली कहाँ जाएगी अब? ये गांधी चौक से रैली प्रारंभ हुई थी और अहिंसा सर्किल तक ये जो रैली है, ये प्रदर्शन पथ पद यात्रा जो हमारी है, वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। रैली निकाली है, क्या मामला है, किस लिए निकाली? आज से ठीक 4.5 वर्ष पूर्व राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों से, युवाओं से, कर्मचारियों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, दलितों से, सभी से झूठे वादे कर सत्ता के अंदर आई और उसके बाद इन्होंने आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रही है, दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ़ किया नहीं, युवाओं के सारे भर्तियां निरस्त हो रही है, सारे पेपर भर्ती में लीक हो रहे हैं, सारे अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं, एक एक तहसील से 100-100 जने भर्ती हो रहे हैं। तो ये खुलेआम लूट है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, पूरा का पूरा मतलब एक इतिहास लिखा जाएगा कि राजस्थान के अंदर 2018 से लेकर 23 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, वो इतिहास के काले अक्षरों के अंदर इनका नाम लिखा जाएगा। ऐसी भ्रष्टाचार सरकार आज दिन तक कभी नहीं बनी है। ये पूर्ण रूप से लूट में लगी हुई है, बिल्कुल अंधी हुई हुई है। किस प्रकार से निर्मम हत्याएं हो रही है, मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर के अंदर सरेआम इस प्रकार की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है, आए दिन एक छोटी छोटी बच्ची के साथ में किस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है, और जिसके गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद है, नैतिकता के नाते उनको उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय उनकी पुलिस उनके पास है। और इस प्रकार का कहीं कोई राज नहीं है कांग्रेस के अंदर, जंगल राज है, पूरा का पूरा कुशासन है, इस अत्याचार है, इस अत्याचार और कुशासन को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सहन नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, सर आज ज्ञापन देने जा रहे हो, क्या है? ये जो राजस्थान के अंदर एक गूंगी बेरी सरकार आकर के बैठ गई, जो सिर्फ अपने सिंहासन और कुर्सी के चक्कर में जनता के हित और विकास के मुद्दों से उन राहों से भटक करके जनता का इन्होंने या कुशासन, बलात्कार, किसानों के ऊपर किसानों से कर्ज माफी की बात करके आज के समय में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, और किसानों की ऐसी जमिया है जो जमिया कुड़क हो गई, और सरकार कह रही है हमने किसानों का फायदा किया, किसानों की जमिया कुड़क हो रही है। कुर्की का आदेश तो यही सरकार दे रही है, एक तरफ तो कह रही है कि मैं किसान का कर्जा माफ कर रहा हूँ, दूसरी तरफ किसानों की जमीन कुड़क हो रही है, और यहाँ पूरा का पूरा इस सरकार को 4.5 साल का फेलियर कार्ड है। 4.5 साल में सरकार पूरी फेल हो चुकी है। 4.5 साल के अंदर इसके कुशासन और जनता के हित के जो कार्य थे वो नहीं कर पाई। बाड़मेर के अंदर भी अगर देखा जाए
तो बाड़मेर के अंदर हर चौराहों पे हर जगह लाइट और डेकोरेशन की तो व्यवस्था कर दी, लेकिन कभी भी इन्होंने रोड के नीचे झांक करके नहीं देखा। ऊपर आप अच्छी लाइट लगा रहे हो और रोड के ऊपर गड्ढे पड़े हैं, पानी के अंदर देखो कल बारिश थी, पूरे के पूरे नाले ओवरलोड हो गए, जहां रोड और आदमी को चलने के लिए जगह नहीं, और लाइट और डेकोरम में लगने में और ज़्यादा लाइटें लगाने में कोई उसका सौंदर्यकरण नहीं होगा। इस सरकार ने 4 साल में भ्रष्टाचार रखा, सचिवालय जैसी जहाँ हिंदू राजस्थान का संविधान चलता है, राजस्थान का वहाँ जन हितेश की जो नीतियाँ चलती है उसके अंदर सोने के बिस्कुट मिलते हैं, उसके अंदर वहाँ पैसे मिल जाते हैं, और सरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री उठ करके शिक्षक सम्मेलन में पूछता है कि क्या आपसे पैसे लिए जाते हैं स्थानांतरण के, और दो शिक्षक खड़े होकर के कहते हैं कि हाँ हम पैसे दे करके स्थानांतरण करवाते हैं, और फिर भी वो सरकार उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती है। और ओसिया की विधायक, इनकी कांग्रेस की विधायक, आज उसने जो स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारे ओसिया के अंदर जो ये घटना हुई, और उस घटना के तहत खुद इनकी खुद की कांग्रेस की विधायक बोल रही है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे आगे सब इंस्पेक्टर सुरक्षा में है, मेरे पीछे पुलिस है, फिर भी मैं आज मेरे आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ, और मेरे ऊपर पुलिस घेरे के अंदर मेरे ऊपर आकर के हमला हो जाता है, तो वो सरकार इस जनता की क्या रक्षा करेगी। और मानवता के हिसाब से इस सरकार को अभी से ही जगह छोड़ देनी चाहिए। ये कुर्सी के लालच में इन्होंने हर वर्ग का गड़ा घोटा, SC ST के साथ में अत्याचार, किसानों की जमीन कुड़क हो गई, और इनके राज में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इनके खुद के विधायक सुरक्षित नहीं है, जो विधायक खुद आज ये कह रहे हैं कि हमारे खुद के ऊपर हमला हुआ। तो इस भ्रष्टाचार कुशासन सरकार के खिलाफ हमने ये जनता के बीच में एक मैसेज देने का मैसेज दिया है कि इस सरकार की गलत नीतियां है, और ये राजस्थान गलत नीति नहीं सहेगा राजस्थान, और युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ ये भी राजस्थान नहीं सहेगा। आने वाले समय के अंदर राजस्थान इस गूंगी बेरी और भ्रष्ट सरकार को यहाँ से उखाड़ करके अपने एक ही गाड़ी में पैक करके भेज देगी। ठीक है, धन्यवाद मैम आपका। मेरा नाम मुस्कान है। मैडम आज एक जुलूस निकाला है, किस लिए निकाला है भाजपा ने? जुलूस निकाला है कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो एकदम फेल है, बहन बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन बहन बेटियों पे और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में। अब गहलोत जी को है ना इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, हर रोज और उनके गृह जिले में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, तो अब उन्हें शर्म के मारे है ना इस्तीफा देकर मतलब चले जाना चाहिए। आज आपने ये जुलूस क्यों निकाला था? क्योंकि राजस्थान परेशान हो गया है, कांग्रेस सरकार विफल है हर क्षेत्र में, तो अब अपराध आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हर क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं, तो इसलिए ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है।